देखिए आज इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो मैक्सिमम एयू और बीएचयू में हर बार एक से दो क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें आपके इलेवेंथ और ट्वेल्थ में काफी कम रहा है, और ये है क्या, तो डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो इकोनॉमिक्स में अगर सारे चैप्टर को कंक्लूड कर दें तो नियर अराउंड 30 या 35-40 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे। इसमें से अगर आप उस 40 क्वेश्चन को कर लिए तो 2 से 3 क्वेश्चन एयू और बीएचयू के लिए कन्फर्म हो जाएगा। और ये किस टाइप के क्वेश्चन है, तो देखिए जितने भी डेफिनेशन से रिलेटेड है, जैसे हमने आपको मनी एंड बैंकिंग में कराया था कि मनी इज व्हाट मनी डज, ये किसमें लिखा हुआ है, ठीक है। मनी इज लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो बुक डेफिनेशन स्टेटमेंट जिन्होंने भी दिया है, ठीक है, उनका नाम, उस इकोनॉमिस्ट का नाम हमें तैयार करना होता है, ठीक है। तो ये नियर अराउंड पूरे 11-12 की इकोनॉमिक्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो नियर अराउंड ये 35-40 के आसपास बनेंगे, और उसी में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ठीक है। तो उसी में से कुछ क्वेश्चन को आपके लिए लाया गया है, और देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार कंफर्म है एयू और बीएचयू में क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि हु डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो देखिए ये जो है एडम स्मिथ ने ये डेफिनेशन दी थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए ये किसने डिफाइन किया है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कैरसिटी, ये डेफिनेशन किसने दी है, तो रॉबिन्स ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हु इज द ऑथर ऑफ बुक एंटाइटल्ड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये तो आता रहता है, वेल्थ ऑफ नेशन और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये अल्टरनेट करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आता रहता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखा हुआ है, ये मार्शल साहब ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जेबी से रूल ऑफ थ्री अप्लाइड टू, ये 2014 बीएचयू में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और इस रूल ऑफ थ्री का मतलब देखिए क्या होता है। देखिए ये टैक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जितने भी लो इनकम ग्रुप है या मिडिल इनकम ग्रुप है, ठीक है, और हाई इनकम ग्रुप है, ठीक है, सबके लिए जब टैक्स रेट सेम हो जाएगा, सबके लिए टैक्स, जैसे सपोज कीजिए कि किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है, ठीक है, ये लो इनकम में आ गया, किसी की 5 लाख है तो ये मिडिल में आ गया, किसी की 10 लाख है तो हम सपोज कीजिए इसको हाई इनकम में रख देते हैं। अब ये रूल ऑफ थ्री कहता है कि ये तीनों के लिए, ठीक है, सेम टैक्स रेट, तो ये किस में होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स में। प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है कि लो इनकम रहे या मिडिल इनकम रहे या हाई इनकम रहे, सबके लिए टैक्स रेट हमारा क्या होगा, तो सबके लिए टैक्स रेट हमारा क्या होगा, जो भी टैक्स रेट है, ठीक है, सबके लिए 10%। तो इसमें क्या होता है, जो लो इनकम वाले ग्रुप होते हैं उनको ये ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि इनकी इनकम कम है, इन्हें केवल 10% देना है, ठीक है। मिडिल, इनकी इनकम 5 लाख है, इनको भी 10% देना है, ठीक है, और हाई, इनकी 10 है, इनको भी 10%। जब इनकम ज्यादा हो तो उनको ज्यादा टैक्स रेट उनका होना चाहिए, लेकिन प्रोपोर्शनल टैक्स क्या कहता है कि सबके लिए सेम है, तो यही रूल ऑफ थ्री है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है हु आर द फर्स्ट इकोनॉमिक्स वो चैलेंज द क्लासिकल थियरी। देखिए सबसे पहले क्लासिकल थियरी आई थी, और क्लासिकल थियरी में कुछ इकोनॉमिक थे जैसे पीगू थे, रिकार्डो थे, इन्होंने क्या कहा था। क्लासिकल थियरी क्या कहती है, क्लासिकल थियरी कहती है कि मार्केट में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी। अब देखिए आप ही बताइए, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि दोज हु आर विलिंग टू वर्क गेट वर्क एट पर्टिकुलर वेज रेट, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर वेज रेट पे काम करना चाहते हैं उनको काम मिल जाए, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो मार्केट में कभी फुल एम्प्लॉयमेंट सबके पास जॉब रह नहीं सकती, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के कई टाइप्स हैं, ये हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कभी नहीं हो सकती, क्लासिकल थियरी कहता है कि हमेशा मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। दूसरा कि क्लासिकल थियरी कहती है कि कभी भी ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ये भी गलत है। तो ये क्लासिकल थियरी का कॉन्सेप्ट था, इसको सबसे पहले जो है अपोज करने वाले ओलिन साहब थे, ठीक है, तो सी पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशन ये बुक किसने लिखी है, तो एडम स्मिथ ने लिखी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और ये वेल्थ ऑफ नेशन, ये एयू में कई बार अल्टरनेट करके पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि द स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज एसोसिएटेड विद, तो देखिए स्कैरसिटी का डेफिनेशन जो है ये रॉबिन्स साहब ने दिया था, ठीक है,
ये तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये वर्ड सबसे पहले किसने दिया था, ठीक है, तो ये रैगनर फ्रिस ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इन टाइटल स्कोप एंड मेथड ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमी, तो ये जी एम कीस ने लिखा था, ये तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट लिखा है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केयर मींस विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, तो ये रॉबिन्स साहब ने दी थी। ये सब डेफिनेशन वाली चीजें हैं, इसको आप बस एक बार ऐसे ही तैयार कर लीजिए। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर ये किसने लिखा हुआ है, ये किताब किसने लिखी हुई है, तो ये पीयू साहब ने लिखी हुई है। फिर लिखा है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड व्हाइल मींस टू सेटिस्फाइड देम, देखिए ह्यूमन वांट तो अनलिमिटेड होता है लेकिन रिसोर्स क्या होते हैं, स्केयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक लॉ, पहला दिया गया इकोनॉमिक लॉ और साइंटिफिक, ये सही है। इकोनॉमिक लॉ और नॉट एग्जैक्ट, ठीक है सही है, क्योंकि देखिए इसमें है क्या, जो भी लॉ होते हैं वो उसके एक्सेप्शन होते हैं, तो टोटली एग्जैक्ट तो होता नहीं है। नेक्स्ट लिखा है इकोनॉमिक लॉ और नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए जा सकते, ये गलत है, चेंजेस तो रहते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, ये कहता है कि प्राइस अगर इंक्रीज करेगी तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, लॉ की बात कर रहा है ना, तो हम एक लॉ देख लेते हैं। आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे जितने भी लॉ हैं, चाहे वो लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो, लॉ ऑफ डिमांड हो, लॉ ऑफ सप्लाई हो, ठीक है, कोई भी लॉ, ठीक है, उसमें होता क्या है कि सारे लॉ के एजम्पशन और एक्सेप्शन होते हैं। तो देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक लॉ लेते हैं जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, आप जानते हैं प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, ठीक है, तो क्या ये हमेशा होगा, जैसे सपोज कीजिए कि पेट्रोल की प्राइस जो है, ठीक है, अभी 100 रुपये है, 100 रुपये से क्या ये 1000 रुपये हो जाए, तो क्या मुकेश अंबानी के डिमांड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें यह है कि इनकम हमारी क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, तभी ये लॉ वैलिड करता है, ठीक है। इनकम में हमारे क्या होना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक, अगर इनकम बहुत ज्यादा है तो फिर ये लॉ वैलिड ही नहीं होगी, ठीक है, तो इसमें चेंज तो होंगे ही होंगे। नेक्स्ट, तो ये सी ऑप्शन जो है ये सही है, ठीक है, ये इसमें से। नेक्स्ट, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर ए कमोडिटी, देखिए डिमांड का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, फैक्टर तो बहुत सारे हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है, पॉपुलेशन, इनकम, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो प्राइस जो है ये डिमांड का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड एज द प्राइस ऑफ ए गुड्स डिक्रीजेस, देखिए आप जानते हैं प्राइस कम होगी, डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, तो डिमांड इंक्रीज होगी। आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि एट द पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो द टोटल यूटिलिटी रिमेंस, देखिए जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। आपने 11th में एक आपने डायग्राम पढ़ा होगा, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप एक डायग्राम बनाते होंगे, ठीक है, वो डायग्राम किस तरह से था वो थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, बना के दिखाते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ स्पेस नहीं है, यही छोटा सा बनाते हैं, आप जानते हैं इस तरीके से टोटल यूटिलिटी का डायग्राम बनता था, ठीक है, और एक ऐसे मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम बनता था, कुछ याद आ रहा होगा आपको, ये मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है यहाँ पे तो टोटल यूटिलिटी इस समय कहाँ पे, मैक्सिमम पे, जब टोटल यूटिलिटी, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, सिंपल है, ठीक है। तो चलिए इसी टाइप के और भी क्वेश्चन हम आपको कराते रहेंगे, आप भी रिवाइज करते रहिए, अभी फॉर्म आने वाला है, ठीक है, नियर अराउंड 10 के आसपास फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, तो जैसे ही फॉर्म आता है आपको बताते हैं।